हेलो माय डियर एवरीवन, तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले ये बता दूं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Now let's start to discuss the chapter Nazis and the rise of Hitler, यानी नाजिज्म और हिटलर का उदय, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है हेलमट नामक एक लड़के के साथ, उसकी कहानी के साथ, जो कि काफी मार्मिक और इमोशनल है। तो आइए जानते हैं कि उसकी घटना क्या थी। इज द फर्स्ट लाइन हियर कि बसंत का मौसम था, स्प्रिंग का मौसम था, और साल थी 1945। एक 11 वर्ष का जर्मन लड़का जिसका नाम था हेलमट, वह अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर लेटे हुए था। उसी समय क्या होता है कि हेलमट अपने पेरेंट्स को आपस में बात करते हुए सुनता है, और ऐसा लग रहा था कि किसी सीरियस मैटर पर बात हो रही है, गंभीर विषय पर बात हो रही थी। अब देखते हैं आखिर क्या बात हो रही थी। वे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार की हत्या कर देनी चाहिए या वह अकेले सुसाइड कर ले। अब आगे देखना है कि आखिर हेलमट के पेरेंट्स ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। एक्चुअली हेलमट के फादर किसी रिवेंज यानी बदला लेने के डर की बात कर रहे थे। अब आखिर ये कौन सा बदला था, कौन सी डर थी जिसके बारे में बात हो रही थी। इज द नेक्स्ट लाइन, हेलमट के फादर कहते हैं कि अलाइस यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया अब हमसे बदला लेंगे और हमारे साथ भी वही करेंगे जो हमने ज्यूज यानी कि यहूदियों के साथ और क्रिपल्ड यानी कि अपाहिजों के साथ किया था। तो यही वह डर था जिसके बारे में हेलमट के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे। अगले दिन हेलमट के फादर उसको एक गार्डन ले जाते हैं, वुड्स ले जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं, और वहां वे अपने जीवन का अंतिम सुखद क्षण व्यतीत करते हैं। एक गाने के साथ वे लोग कुछ सॉन्ग्स गाते हैं, गाना गाते हैं, और वह पल जो था, खुशी के पल, उसके जिंदगी के आखिरी खुशी के पल थे जो उन्होंने वहां पर बिताया था। और इसके बाद हेलमट के फादर अपने ऑफिस चले जाते हैं और अपने ऑफिस में जाकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हेलमट इस बात को भूला नहीं था, उसे याद थी कि किस प्रकार उसके फादर की खून से सनी हुई यूनिफॉर्म को उसके घर के साथ जला दिया गया था। वह बहुत डर गया था, वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जो उसने सुना था, कौन सी बात, जो उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना था कि उसे अकेले मर जाना चाहिए, अकेले आत्महत्या करनी चाहिए या पूरे फैमिली के साथ सुसाइड कर लेनी चाहिए, इस बात की मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को मैं याद दिला रहा हूँ आपको। तो यह जो बात थी, यह हेलमट अभी भूला भी नहीं था, उसी घटना के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, यहाँ पर बताई जा रही है। अब हेलमट जिस घटना के बारे में सुना था, जिस घटना के बारे में वो बेड पर लेटे लेटे सुना था, उस घटना का वास्तविक रूप, जो सही रूप है, उस घटना का वास्तविक रूप उसके नजरों के सामने था। वह घटना वास्तव में घटी, और इस घटना से ये क्या हेलमट बहुत ही डर गया, बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। वह इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, इतना डर गया कि अगले 9 वर्षों तक अपने घर में वह कुछ भी नहीं खाया। आखिर क्यों? क्योंकि उसके मन में यह डर बैठ गया कि यदि हम घर में कुछ खाएंगे तो हो सकता है उसकी माँ जो है खाने में जहर देकर उसे मार देगी, और मारने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेगी। तो यह उसके दिमाग में घर कर गया था, यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। अब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ एंड होता है, फर्स्ट पैराग्राफ समाप्त होती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग सेकेंड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।